गुड मॉर्निंग, आई एम अनिल अग्रवाल, फॉर्मर चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक। सो ए गुड न्यूज फॉर ईच वन ऑफ यू। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड अगेंस्ट मर्जर ऑफ OICL, NICL, UIICL. दीज आर थ्री जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज इन पब्लिक सेक्टर। And the budget, it was proposed that these will be merged. And the merger means less requirement of staff. So any decision to postpone merger means you can expect vacancies from these three companies. No vacancies were coming from these sectors because there was apprehension that a post-merger their requirement may fall. But now merger is put to back burner. It is good news for unemployed youth. Government has decided to put 12,450 crore as fresh capital so that these companies' solvency improves and profitability improves. Now why government is forced to take this decision? The reason is obvious: COVID-19. Now COVID-19 means more and more companies may be showing losses, may have incurred the losses where they may prefer more claims also, like health insurance. Claims are rising day by day, and more of the health insurance products are run by non-life insurance companies. So they require support. So if their profitability is under threat and fresh capital is not induced, it will affect the overall economy. So it is the right decision at right time, and cheerful news for all of you. You may expect vacancies in these three organizations also. Although there is no confirmed news when they are coming out with the notification, but yes, यू कैन बी चेयरफुल। अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। एक बहुत ही सुखद खबर आई है PSU जनरल इंश्योरेंस कंपनी से, नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से, OICL ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस NICL, यूनाइटेड इंश्योरेंस UIICL। ये तीन कंपनीज का मर्जर था संभावित बजट के अनुसार, और बजट में यह कहा गया था कि इन तीन कंपनीज को मर्ज कर दिया जाएगा। पर COVID-19 की वजह से जो बिजनेसेस की हालत है उसको देखते हुए सरकार को मजबूर होना पड़ा कि ये मर्जर को डेफर कर दिया, और ये आपके लिए अच्छी खबर है। मर्जर से नेचुरल है कुछ वैकेंसीज तो कम होती हैं क्योंकि स्टाफ रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। तो मर्जर नहीं होगा तो जो जॉब सीकर हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि हो सकता है इन तीनों सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट के नोटिफिकेशन आए। सरकार ने 12,450 करोड़ की एडिशनल कैपिटल भी इनके लिए मंजूर कर दी है। क्यों कर दी है? ताकि इनकी सॉल्वेंसी बनी रहे, ग्रोथ बनी रहे। सॉल्वेंसी क्यों चाहिए? क्योंकि आप देखेंगे क्लेम बढ़ गए हैं। क्लेम कैसे बढ़ गए? जो ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, ये हेल्थ इंश्योरेंस भी चलाती हैं, और हेल्थ इंश्योरेंस में तीन गुना इस समय क्लेम हो चुके हैं। तो अधिकतर क्लेम इन्हीं कंपनीज पे आएंगे, तो इन कंपनी का चलते रहना भी जरूरी है, क्योंकि आने वाले वक्त में यदि जो कोविड की स्थिति चल रही है तो क्लेम तो बढ़ने ही है, अभी घटने की तो कोई संभावना नहीं है, क्योंकि लोग बीमार हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। ठीक कैसे हो रहे हैं? इलाज करा के, और इलाज कहाँ से हो रहा है? हेल्थ इंश्योरेंस से। तो वो खर्चा बढ़ना है, तो बढ़ेगा तो इनकी ज़रूरत कंपनीज की बढ़नी है, तो इसलिए भी सरकार अभी जल्दी में नहीं है मर्जर के, क्योंकि अभी तो इन कंपनीज को सपोर्ट करना जरूरी है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आपके लिए अच्छी खबर है, नौकरी के मौके मिलेंगे इसके अंदर। गॉड ब्लेस यू।